तुर्की और उर्दू की जुल्फे संवारने में सिर्फ मर्दों का हिस्सा ही नहीं रहा, बल्कि ख्वातीन भी रफ्ता रफ्ता उर्दू की गजलें संवारने लगी हैं। और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इतनी तनावर अदबी शनाख्त उन्होंने कायम कर ली है कि उनका नाम लिया जाए तो एक तवील फहरिस्त बन जाएगी। मेरे फहरिस्त में एक मोहतरमा शायरा जो पेशे से डॉक्टर भी है और अदब की जर्राह भी है, अदब को फ़रोग देने के लिए हमदल मसरूफ़ रहती हैं, पसे पड़ता होकर अदब की आबियारी करती हैं। मैं मोहतरमा डॉक्टर कमर सरूर साहबा को परवीन शायर शाकिर के इस शेर से ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ कि उसने तपती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, जो इनके लिए मुनासिब है डॉक्टर हैं, अहमदनगर से तशरीफ़ फरमा है, कि उसने तपती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। माइक पर मोहतरमा डॉक्टर। ये मेरे दादा है, ये बड़े दादागिरी से हुक्म देते हैं। मतलब पेश करता हूं। हुस्न को एहतियात लाजिम है, हर नजर पारसा नहीं होती। माइक पर माता मां कमर सरूर जी अता। बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है और इससे ऐसा ही मियारी होना है आखिर तक इंशाल्लाह। मतलब पेश करता जी अता। तेरे नाम है रोशन रातें, अपने नाम धीरे हैं। तेरे नाम है रोशन रातें, अपने नाम धीरे हैं। तेरे नाम है रोशन रातें, अपने नाम धीरे हैं। सारी खुशियां अब तेरी है, जो हम है वो मेरे। सारी खुशियां अब तेरी है, जो हम है वो मेरे है। शेर पेश कर रहे हो देखो जी। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम तो शेर कहकर खामोश हो जाते हैं, सुनाते रहते हैं और महफिल में आपको पहुंचना है जहां तक पहुंच जाए। कि झूठ मूठ के इन ख्वाबों से आंखों को बर्बाद न कर। झूठ मूठ के इन ख्वाबों से आंखों को बर्बाद न कर, क्या मिसरा है। झूठ मूठ के इन ख्वाबों से आंखों को बर्बाद न कर। झूठ मूठ के इन ख्वाबों से आंखों को बर्बाद न कर। ख्वाब को ख्वाब ही रहने दे, न मेरे है न तेरे। ख्वाब को ख्वाब ही रहने दे, न मेरे है न तेरे है। और ये शेर भी देखो सुभाई, मुझे कब बस करना है क्या देना। नहीं, असल में मुशायरे की सदारत जो करता है, जो सदर होता है, उसको इजाजत होती है कि किसको बता दे, किसको आगे बढ़ा दे। नहीं, वो खो जाएंगे, वो सदर ही ऐसे है। जी अदा। मकरूरिया की ये दुनिया भी देखो बीन बजाती है। बहुत खूब। मकरूरिया की ये दुनिया तो, मकरूरिया की ये दुनिया भी देखो बीन बजाती है। मकरूरिया की ये दुनिया भी देखो बीन बजाती है। उन राहों पे मत जाना जिन राहों पे सपेरे हैं। खूबसूरत इश्तेहार। उन राहों पे मत जाना जिन राहों पे सपेरे हैं। और इस गजल का एक शेर पढ़ती हूँ इरफान भाई, पसंद है वो पढ़ देती हूँ। कि बात बात पे जुल्मत शब का,
बात बात पे जुल्मत शब का मातम करना ठीक नहीं। वाह, बात बात पे जुल्मत, बात बात पे जुल्मत शब का मातम करना ठीक नहीं, मातम करना ठीक नहीं। उन आंखों की बातें करना, उन आंखों की बातें करना जिन आंखों में सवेरे है। उन आंखों की बातें करना जिन आंखों में सवेरे है। और एक गजल के दो तीन शेर सुन ले, फिर उसके बाद सहमत तमाम। नई गजल है, अब यूट्यूब के जरिए तो कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है, मगर मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ ये सिर्फ मैंने अभी कल कलकत्ता में पढ़ी। बेदर्द जमाने को, बेदर्द जमाने को ये कैसी शिकायत है, बेदर्द जमाने को ये कैसी शिकायत है। बेदर्द जमाने को ये कैसी शिकायत है, बेदर्द जमाने को ये कैसी शिकायत है। उनको भी मोहब्बत है, उनको भी मोहब्बत है, हमको भी मोहब्बत है, उनको भी मोहब्बत है, हमको भी मोहब्बत है। मतलब कि जो है सहमत इसलिए दी कि ये एक शेर सुनाना था मुझे अख्तर भाई जी, जी होता हाँ शमीम साहब देखे आप नवीद भाई के। महबूब की यादों ने, महबूब की यादों ने कानों में कहा कर, महबूब की यादों ने कानों में कहा कर, महबूब की यादों ने कानों में कहा कर, रोती हुई आंखों को काजल की जरूरत है, रोती हुई आंखों को, रोती हुई आंखों को काजल की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। रोती हुई आंखों को काजल की जरूरत है, ये थी मोहतरमा डॉक्टर कमल सरूर साहब। रोती हुई आंखों को काजल की जरूरत है, किसी ने कहा है कि बह जाए जो आंखों से वो काजल क्या है, बह जाए जो आंखों से वो काजल क्या है, ठुकरा दे जिसे पाओ वो पायल क्या है। इस दौर की तहजीब से पूछो ये सवाल, जो सर से ढलक जाए वो आंचल क्या है। दोस्तों शायर जो महसूस करता है, जो देखता है वो कागज पर रकम करता है। शायर समाज का दब्बास होता है, वो बड़ा हसास होता है। अमीर मीनाई ने कहा था कि खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर।